तो आज हम निकल पड़े उदयपुर से कच्छ की ओर, जो कि करीब 500 किलोमीटर दूर था। और सुबह के बज रहे थे 5 और रास्ता पूरा सुनसान था और इतनी ठंड थी कि हमारे हाथ भी पूरे जम चुके थे। लेकिन हमने हार नहीं मानी और जैसे तैसे करके हमने पूरे 50 किलोमीटर पूरे किए। तो कुछ सफ़र तय करने के बाद दिन हुआ और ठंड से हमें राहत मिली। फिर थोड़ी देर आगे जाकर हमने उधर चाय का नशा किया और यहाँ पर हमें दो चाचा मिले जिन्होंने हमें आग जला कर दी और दो कप चाय पिलाई। ठंडी बहुत है, सुबह के 7 बज रहे, तुम चाय वाय पीते। रास्ते भर पहाड़ है और पूरी ओस गिरी हुई है। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, उदयपुर से हम निकले हुए हैं गांधी धाम जाने के लिए। 50 किलोमीटर पार कर लिए हैं, फिर भी 450 किलोमीटर बचा है अभी, तो चाय पी के निकलते आगे। मुंह से धुआं निकल रहा है भाई के। तो चाय का नशा करने के बाद और मुंह से थोड़ा धुआं निकलने के बाद हम निकल पड़े आगे के सफ़र के लिए, जो कि काफ़ी मज़ेदार होने वाला था। और इसीलिए कहा जाता है कि सुबह की दुनिया कुछ अलग होती है। और इस आप रास्तों के नज़ारे देख के आप समझ ही सकते हो कि इस रास्तों में। और सफ़र का मज़ा लेते हुए हमें ये पता चला कि उदयपुर की सड़कें पूरी मक्खन जैसी है, क्योंकि यहाँ पर आपको मुश्किल से ही बम्पर्स देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से हमारे राइडिंग एक्सपीरियंस में 4 चांद लग गए। फिर काफ़ी देर बाद हमें लोग दिखना शुरू हो गए। तो कुछ सफ़र तय करने के बाद हमें दिखा उदयपुर का पहला टनल, जो कि कुछ इस तरह से था। और नेचर की वादियों का मज़ा लेते हुए हम पहुंच गए दूसरे टनल पर। और हमें देखकर जीप वाले भाई साहब भी फॉर्म में आ गए और हमें कड़ा कंपटीशन देने की कोशिश की। ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके थे, ब्रेकफास्ट हो गया, अभी आ रहे हैं, अभी जा रहे हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं पार्ट। और फ्लो में हम पार्किंग में घुस गए और हमें आगे जाकर रिटर्न लेना पड़ा, क्योंकि आगे रास्ता बंद था। और आगे जाकर हमारी नज़र पड़ी एक ट्रक वाले पर और इसने भाई साहब ने कुछ अलग ही लिखवा के रखा था पीछे। तो करीब 300 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अभी हमारे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं और अभी हम पहुंचने वाले हैं सामाखैली, कुछ 25 किलोमीटर दूर है, तो पहुंच के वहां पे कुछ खाएंगे। तुमने आबू रोड से डायरेक्ट पहुंचे गांधीधाम। गांधीधाम यहां से 50 किलोमीटर बाकी है। बिना रुके हमने 350 किलोमीटर एक साथ एक बार में टच किया। थोड़ी बहुत लाल हो गई है बट कॉफ़ी पी के फ्रेश हो जा रहे हैं। उसके बाद खाना खा के फिर निकलेंगे जो 50 किलोमीटर बाकी है उसके लिए। तो भाई हम सुबह निकले थे उदयपुर से 6 बजे, तो करीब कितने घंटे बाद हम पहुंचे यहाँ पे? यहाँ पे पहुँचने हमको लगे 7 घंटे, 2 बजे हम पहुँचे सामाखैली। और बीच में हमने कहीं पे भी स्टॉप नहीं लिया, बस एक ही जगह रुके थे। कहाँ पे रुके थे? आबू रोड में रुके थे। फिर उसके बाद से हमने 300 किलोमीटर का पूरा एक स्ट्रेच मारा, 350 का। बाद में यहाँ पे कैसा लगा? मज़ा आया। थोड़ा दर्द हो रहा है, दुख रहा है कमरों में, पर ठीक है। अभी मंगाया कुछ खाने के लिए, खाएंगे पियेंगे फिर देर से निकलेंगे घर की ओर। अभी भी फिलहाल 50 किलोमीटर दूर है यहाँ से। अभी फिलहाल हम कहाँ हैं? सामाखैली में। सामाखैली में अब पहुँचते हैं घर पे, मुझे घर पे सोएंगे, रेस्ट करेंगे, खाते दाल। तो ये था हमारा उदयपुर से कच्छ तक का सफर।